हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम मैथ क्लास ट्वेल्थ का थ्री डायमेंशनल्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वे आज की इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और जिनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं आने की उन सारे को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल टाइप्स के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वन मार्क में पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ आर लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस इक्वली इंक्लाइन टू थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेज तो हम तीनों पे हमें क्या पता है कि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होते हैं एल एम और एन और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वस टू वन तो इसने कहा है जो लाइन इक्वली इंक्लाइन मीन्स जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस से मीन्स एल एम और एन इक्वल्स है इक्वल है तो यहाँ पे तीनों को हमने एल मतलब पुट कर दिया तो थ्री एन स्क्वायर इक्वल टू वन तो एन इक्व टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री तो यहाँ पे एन एम और एल एल एम एन की वैल्यू क्या आ जाती है वन बाय रूट थ्री प्लस माइनस में तो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या क्या होंगे वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री एंड माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री एंड माइनस वन बाय रूट थ्री तो ये था पहला क्वेश्चन उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन राइट द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेन फ्रॉम दी ओरिजिन ये कोई प्लेन की इक्वेशन दी है इसकी हमको जो ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है तो हमको पता है कि जो इसकी डिस्टेंस होती है जैसे हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट क्या है ज़ीरो कामा जीरो कॉमर जीरो तो एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे टू इंटू जीरो माइनस माइनस वन इंटू ज़ीरो एंड टू इंटू ज़ीरो प्लस वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री तो ये थी इसकी डिस्टेंस जो प्लेन की डिस्टेंस है ऑरिजिन से उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन बाय एक्स माइनस फाइव बाय थ्री इक्व टू वाई वाई प्लस फोर बाय सेवन इक्व टू सेवन माइनस सिक्स ये सेवन नहीं है जेड सॉरी ये गलती से लगती है जेड माइनस सिक्स बाय टू तो ये है इसको हमको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो जो ये होते हैं वो आते हैं यहाँ पे और जो ये होते हैं नीचे वाले होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं आते हैं ये पॉइंट्स को डिनोट करते हैं और ये डायरेक्शन को तो यहाँ पे x माइनस ए तो यहाँ पे क्या होता है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी तो यहाँ पे माइनस तो माइनस है एक की जगह फाइव आ जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस ऑफ माइनस फोर कर देंगे तो माइनस फोर सिक्स ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और नीचे थ्री सेवन एंड टू तो यहाँ पे इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है वो आ जाएगी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेल्व जेड इक्वल्स टू थ्री फ्रॉम द ऑरिजिन ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है इसको आपको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन तो ये प्लेन हमें दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर हमें एक ड्रॉन की जो लेंथ है वो बतानी है तो लेंथ क्या होती है जो कॉन्स्टेंट होता है डिवाइडेड बाय इसका मॉड मीन्स इसका मॉडल तो ए लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे ट्वेंटी वन है मीन्स ये जेड के साथ ये कुछ नहीं लेना है जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो यहाँ पे ट्वेंटी वन बाय सेवन मीन्स थ्री थ्री यूनिट इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है इफ़ दी कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर दिस तो एक हमें कार्टेजियन इक्वेशन हमें दी हुई है तो राइट द वेक्टर इक्वेशन फॉर दिस लाइन तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कुछ इसमें अलग डिफरेंट है तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन में तो थ्री माइनस एक्स उसमें होता था एक्स माइनस ए तो यहाँ पे और जैसे कि इसमें टू जेड माइनस सिक्स उसमें जेड माइनस सी होता था तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे है कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो इसको आपको क्या करना है आपको रीराइट करना है तो यहाँ पे आपको जो एक्स है हमने आगे ले लिया और थ्री को पीछे ले लिया बीच में माइनस है तो हमने क्या किया इससे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले गए तो हम यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो हमने माइनस कॉमन लिया तो थ्री माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू वाई प्लस फोर बाई सेवन ये सही है और टू जेड माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर हमने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया है टू से और यहाँ पे भी हमने टू से डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे हम जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जैसे ये हो गया एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर सेवन तो जब इसको डिवाइड करेंगे टू से और इसको तो क्या आएगा जेड माइनस थ्री बाई और फोर को डिवाइड करेंगे टू से तो टू आंसर आ जाएगा और जैसे हमने पहले किया था थ्री माइनस फोर एंड थ्री थ्री माइनस फोर थ्री माइनस फाइव सेवन एंड टू तो इसका जो आंसर आ जाएगा और लैमडा क्या होता है यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट होता है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स टू एक्स टू थ्री टू माइनस ऑफ जेड एंड सिक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई टू माइनस फोर जेड तो ये हमने क्यों क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसको हमको किसी और मतलब किसी और तरह से हमको लिखना है उसके बाद हम इसमें ए डॉट भी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड भी कॉस्ट हीटा हमको लग, लगा के हम यहाँ पे जो कॉस्ट हीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी जो फॉर्म को हमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी पहले ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म में तो टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स बाय वन टू तो हमने ऐसे ही सभी का लिख दिया जैसे थ्री वाई का वन बाय थ्री और माइनस जेड का तो माइनस वन तो ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू हमने लिख लिया है तो हमें पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा तो कॉस्ट ठीटा इस ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी तो ए डॉट बी क्या होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और मॉड ए हमने निकाला मॉड बी हमने यहाँ पे निकाला तो हमारे पास जो cos थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई जीरो और तो अगर cos थीटा इक्वल्स टू जीरो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई टू तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट राइट द सम ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन आर डॉट टू आई माइनस जे माइनस के ये प्लस है प्लस जे माइनस के माइनस फाइव इक्वस टू जीरो ऑन दी थ्री एक्सेज तो हमें क्या पर? पहले हमें इंटरसेप्ट निकालना है उनका इंटरसेप्ट निकालना है और उनका हमको सम कर देना है तो हमने क्या है यहाँ से हमें जो इक्वेशन है जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी टू आई मेन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वस टू फाइव तो हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल ली तो टू एक्स तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या होता है उसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्स बायस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वस टू वन होता है तो यहाँ पे फाइव आ रहा है तो फाइव को हमको वन बना तो फाइव से डिवाइड कर दिया सभी जगह पे तो फाइव से डिवाइड किया इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स बाय फाइव बाई टू वाई बाय फाइव माइनस जेड फाइव टू फाइव फाइव वन हो जाएगा तो इंटरसेप्ट आ गया फाइव बाई टू फाइव और माइनस फाइव तो इनका जब हम सब निकालेंगे तो वो आएगा फाइव बाई टू तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट माइ टू कौम माइनस वन फाइव टू लाइन एक लाइन दी हुई है एक पॉइंट दिया हुआ है तो हमें लेंथ ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमने इक्वल्स टू लैमडा से किया क्यों किया कि उस पर हम कोई भी एक पॉइंट हम वहाँ पे लेंगे कोई एनी पॉइंट वहाँ पे लेंगे लेट एन बी द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू कॉमा माइनस वन कॉमा फाइव टू लाइन वन मीन्स इससे इस लाइन इस तक एक हमने एन पॉइंट लिया है एन लिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया है तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे टेन लेमडा ये इलेवन इधर जाएगा मीन्स देखिए इसको हम करेंगे एक्स माइनस इलेवन बाय टेन इक्वल टू लेमडा तो क्या होगा एक्स माइनस इलेवन इक्वल्स टू लैमडा और टेन लेमडा और ये इलेवन माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का तो क्या होगा टेन लेमडा प्लस इलेवन और फिर ये पॉइंट भी लिएगा तो माइनस टू तो ऐसे ही वाई इक्वल्स टू माइनस फोर लैमडा माइनस टू माइनस फोर लैमडा माइनस टू और ये माइनस का वन है तो माइनस ऑफ माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा ऐसे यहाँ पे ये यह आ जाएगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशो आए पी एन के पी एन क्या है फूट ऑफ परपेंडिकुलर तो पी एन के जो डायरेक्शन रेशियो वो ये आए तो सिंस उसके बाद क्या है एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन वन इज़ क्या हुआ टेन माइनस फोर एंड माइनस इलेवन कितना था टेन माइनस फोर एंड माइनस इलेवन था इसके जो डायरेक्शन और लाइन वन का तो सिंस पी एन इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन वन जो पी एन है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मीन्स वहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इंटू टेन लेमडा प्लस नाइन माइनस फोर माइनस इलेवन और ये आ जाएगा इससे हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और जो फिर लैमडा की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में इक्वेशन वन में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और जब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो जो पॉइंट होगा जैसे हमारे पास वन टू थ्री आया है तो जो पॉइंट है हमारे पास वो पॉइंट क्या है हमारे पास टू माइनस वन एंड फाइव तो टू माइनस वन एंड फाइव जो होगा तो टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू एंड फाइव माइनस थ्री तो यहाँ से जो पी एन है वो पी एन परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे हम जो पीएन है वो निकाल लेंगे फूट ऑफ परपेंडिकुलर हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्व टू वाई प्लस टू बाई थ्री इक्व टू जेड प्लस थ्री बाई फोर मीट दी प्लेन दिस तो हम एक लाइन है उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जब वो प्लेन इस प्लेन से मीट करेगा तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इज हमने लैमडा इक्वल टू मान लिया क्यों माना कि हम कोई भी एक पॉइंट उस लाइन पर मान सके तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इक्वल टू टू लैमडा माइनस वन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ गई ऐसे ही इसकी हम निकाल देंगे तो सिंस द पॉइंट लाइज ऑन दी प्लेन पॉइंट का क्या था एक्स प्लस वाई प्लस फोर जैड इक्वल्स टू सिक्स तो हम यहाँ पे एक्स एक्स की जगह क्या था एक्स क्या एक्स वन वन इंटू टू लैमडा माइनस वन प्लस वाई की जगह वन वन हो गया वाई के साथ और वाई की जगह हमने पुट कर दिया थ्री लेमडा माइनस टू प्लस फोर यहाँ पे क्या आएगा फोर था कहाँ गई लाइन और uh, यहाँ पे क्या था फोर इंटू जेड और जेड की जगह हमने पुट कर दिया फोर लेमडा माइनस थ्री तो हमने जैसे ही किया तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे टू लेमडा माइनस वन मीन्स टू इंटू वन माइनस वन टू वन तो यहाँ पे वन 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 जो पॉइंट का आ जाएगा तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द पॉइंट ऑन दी लाइन एक्स प्लस टू बाई थ्री इक्वस टू वाई प्लस वन बाई टू इक्वस टू जेड माइनस थ्री बाई टू एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम द पॉइंट पी ये एक हमने पॉइंट हमें दिया हुआ है एक लाइन दी हुई है तो फाइव यूनिट हमें उस पॉइंट से उस लाइन पर डिस्टेंस बताना है तो अब हम कैसे करेंगे कोई भी पॉइंट जो हमें लाइन दी हुई है उसका कोई एक एनी पॉइंट मान लेंगे कैसे मानेंगे इक्वल्स टू लैमटा कर देंगे तो यहाँ पे ये कोई भी एक एनी पॉइंट मिल गया तो दिस इस, इस वाले और इस वाले पॉइंट की हमने आ जो हमने जो लाइन है वो निकाली वो क्या होगी थ्री लेमडा माइनस टू माइनस वन टू लेमडा माइनस वन माइनस थ्री टू लेमडा प्लस थ्री माइनस थ्री इक्व टू क्या होगा फाइव यूनिट मीन्स इसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या आई थी वो इसने फाइव यूनिट दिया हुआ तो फाइव आ जाएगा तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाली क्या जीरो एंड टू तो जैसे ही हमने जीरो और टू इसमें पुट किया तो हमारे पास माइनस टू माइनस वन थ्री और फोर थ्री सेवन हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो क्या हमें डिस्टेंस फाइव यूनिट दी थी तो वो पॉइंट हमें मिले ये दो पॉइंट्स है जहाँ से उसकी जो डिस्टेंस uh, होगी वो फाइव यूनिट होगी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ये कोई पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द प्लेन डिटरमाइंड बाय द ए बी सी ए बी सी से एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमको निकालनी है तो सबसे पहले हम ए बी और सी से हम एक प्लेन की जो हमें प्लेन क्या होगा ए बी सी पॉइंट से जो एक प्लेन बनेगा वो क्या होगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटर्माइन बाय द पॉइंट ए बी सी तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो तो ये हमें हमें पता है कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि थ्री में हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमें तीन पॉइंट से प्लेन बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है प्लेन की जो इक्वेशन है वो निकालनी है तो उनका फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ से हमने क्या किया जो प्लेन की इक्वेशन है हमने यहाँ से फाइंड की उसके बाद इसकी डिस्टेंस क्या होगी डिस्टेंस क्या होगी थ्री इंटू एक्स एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे एक्स की जगह जो हमें पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट हमें दिया है सिक्स कॉमा फाइव कॉमा नाइन हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे एक्स की जगह सिक्स वाई की जगह फाइव और जेड की जगह नाइन माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाय इसका जो मॉड होगा मीन्स इसका uh, अंडर रूट नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन कहाँ से आया थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर थ्री स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा थ्री रूट थर्टी फोर डिवाइड बाई सेवनटीन इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स हु इक्वेशन आर दिस तो उसने हमें दो वेक्टर इक्वेशन दी है लाइन की उनके बीच में हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है इसने दिया वन माइनस टी आई प्लस टी माइनस टू जे प्लस थ्री माइनस टू के एंड एस आर इक्वल्स टू एस प्लस आई जे प्लस टू एस माइनस वन जे माइनस टू एस प्लस वन के तो हमें दो इक्वेशन इसने दी हुई है तो हमें इसको रीराइट करना है ए प्लस लैमडा बी की फॉर्म में तो ए प्लस लैमडा बी की फॉर्म में करेंगे तो हमने वन माइनस टू और थ्री वन माइनस टू को इधर हम लेके गए माइनस से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे हाँ को ये पहली इक्वेशन मिलेगी इससे हम इसको रीराइट कर सकते हैं यहाँ से टी हमने सभी से निकाला कॉमन लिया तो हम इसको लिख सकते हैं उसके बाद ऐसे ही हमने ए प्लस लैमडा ए प्लस एस इन बी की फॉर्म में हमने इस वाली लाइन को लिख दिया तो हमें वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स आर ए वन प्लस लैमडा बी वन एंड आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू इज तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ए टू माइनस ए वन मीन्स इस दिस माइनस दिस डॉट बी वन क्रॉस बी टू बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू तो हमने ए टू माइनस ए वन निकाला क्या होगा यहाँ पर हम इसे निकालेंगे तो वन माइनस वन जीरो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू तो प्लस का वन आ जाएगा और ऐसे यहाँ पर फोर के तो ए टू माइनस ए वन निकाला और बी वन क्रॉस बी टू क्या होगा आई जे के लिखा और ए वन ए टू ये लिखा उसके बाद हमने बी वन क्रॉस बी टू हमने यहाँ पे निकाला तो बी वन माइनस बी वन क्रॉस बी टू हमने निकाला और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट नाइनटीन कैसे निकालते हैं अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर तो वो क्या आया अंडर रूट ट्वेंटी नाइन तो हमने देखा ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू कितना आया ऊपर वाले की वैल्यू वाई माइनस फोर प्लस ट्वेल्व एट आया तो d क्या होता है दिस डिवाइडेड बाय b1 वन क्रॉस बी तो ये क्या आया एट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ट्वेंटी नाइन ये क्या आया मॉड ऑफ b1 वन क्रॉस बी तो यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जरूर करना है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड पी क्रॉस द एक्स एंड वाई प्लेन तो ये कह रहा है उस कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड करो जो ए एंड बी को क्रॉस करे एक्स वाई प्लेन पर तो ठीक है तो वैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी ए एंड बी से कोई जो लाइन है वो कौन सी होगी तो ये कोई मान लिया थ्री फोर वन तो थ्री आई प्लस फोर जे प्लस के एंड प्लस लेमडा ए बी से इसकी जो ये क्या है ये लाइन की इक्वेशन हम दो पॉइंट से फॉर्म करते हैं ये लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी तो ऐसे हम इसे फाइंड कर लेंगे तो जैसे ही हमने इसने फाइंड किया तो आई आई का जो हम आई का कोफिशेंट था वो हमने सारा ले लिया जैसे फाइव माइनस थ्री ये लैमडा के साथ और थ्री ये था तो हमने क्या किया है? इसको एक साथ ले लिया है तो एक साथ लिया है फाइव माइनस थ्री टू लैमडा प्लस थ्री तो इनको हमने एक साथ लिख लिया है जो आई के कोफिशियंट है वो एक साथ जे के कोफिशेंट एक एक, 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 एक एक साथ एंड के के कोफिशियंट एक साथ ले लिया है तो लेट पी बी एनी पॉइंट वेयर दी लाइन ए बी क्रॉस एक्स एंड वाई प्लेन तो अब पी एक ऐसा पॉइंट हमने माना है कि वो ए बी जो लाइन ए बी है वो क्रॉस कर रही है एक्स वाई प्लेन को तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज़ एक्स आई प्लस वाई जे तो एक्स आई इंटू वाई जे क्योंकि एक्स और वाई के को क्रॉस कर रही है जेड को नहीं कर रही है तो जेड का जो जीरो होगा तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स आई तो ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स आई प्लस वाई जे तो एक्स आई प्लस वाई जे इस वाली इक्वेशन को सेटिसफाई करेगा मीन्स इक्वल होंगे तो यहाँ से हमने i के साथ आई का कोफिशियंट x इक्वस टू टू लेमडा प्लस थ्री एंड y इक्वस टू दिस निकाला और जीरो इक्वस टू क्योंकि यहाँ पे जीरो है जीरो इक्वस टू के का कोफिशियंट तो यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू निकाली और फिर यहाँ से हमने x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली तो हैंस दी कोऑर्डिनेट जैसे ही हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकाल ली है तो निकालने के बाद जो कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे x, y एंड z क्या था z नहीं लेना था क्योंकि एक्स वाई प्लेन था तो z की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो हमारे पास जो कॉर्डिनेटर है रिक्वायर्ड कॉर्डिनेटर है वो हमारे पास आ जाएगा था? तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस फोर ये कोई पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द लाइन इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें बताना है ठीक है मेजर पैरेलल टू द प्लेन फोर एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस थर्टी टू और हमें जो वो हमने डिस्टेंस हमने वहाँ पे फाइंड की है उसके जो मेजर्ड पैरल टू प्लेन और ये प्लेन उसके पैरल है तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं लेट द गिवन पॉइंट बी पी माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस फोर हमने कोई भी पॉइंट मान लिया पी माइनस टू कामा थ्री कॉमा माइनस फोर एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है एक्स प्लस टू बाई थ्री टू वाई प्लस थ्री बाई फोर थ्री जेड प्लस फोर बाय फाइव इक्वल्स टू लैमडा हमने लैमडा मान लिया है क्यों माना है वो एनी पॉइंट ऑन द लाइन लेने के लिए तो हमने यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन ले लिया है क्या लिया है थ्री लैमडा माइनस टू थ्री लैमडा माइनस टू फोर लैमडा माइनस थ्री बाय टू एंड फाइव लैमडा माइनस फोर बाय थ्री तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है के टर्म्स में तो ये क्या हुआ एनी पॉइंट ऑन दी लाइन हमने निकाल लिया है उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू इज तो लाइन पी एंड क्यू पी क्यू की जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो क्या होंगे थ्री लैमडा माइनस टू एंड माइनस दिस पॉइंट माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस टू फोर लैमडा माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री एंड फाइव लैमडा माइनस फोर बाय थ्री माइनस माइनस प्लस फोर तो यहाँ पे ये आ जाएगा उसके बाद हमने इसको फिर सॉल्व किया थ्री लैमडा यहाँ से ये यह कट जाएगा फोर लैम्डा माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री को सॉल्व किया तो ये आएगा एंड फाइव लैमडा माइनस फोर बाई थ्री प्लस फोर को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आएगा उसके बाद हमने इसे और आगे सॉल्व किया थ्री लैमडा थ्री लैमडा आ गया इसको हमने सॉल्व किया तो फोर लैंडा माइनस नाइन बाई टू माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स इज टू माइनस नाइन ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो फाइव लैमडा प्लस एट बाई थ्री यहाँ आ गया तो सिंस लाइन पी क्यू इज द पैरल टू द प्लेन और वहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया था कि फोर एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री जेड से जो ये पी क्यू होगा वो पैरल है तो यहाँ पे जब ये पैरल होगा तो फोर एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री जेड इज टू जीरो होगा तो हम ये इसमें एक्स वाई एंड जेड इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पैरल में क्या होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो होता है तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह थ्री लैमडा वाई की जगह फोर लैमडा माइनस नाइन बाई टू एंड जेड की जगह फाइव लैमडा प्लस एट बाई थ्री हमने यहाँ पे पुट कर दिया है तो ये वन नहीं है यहाँ पे तो ये पुट कर दिया है तो क्या होता है क्यों पुट किया क्योंकि पी क्यू पैरल है प्लेन के और प्लेन के अगर पैरल है तो ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इसके बाद हमने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकाल ली है तो जैसे ही हमने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकाली तो उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू यहाँ पे फोर कॉमा फाइव बाई टू कॉमा टू कैसे आया हमने लैमडा की वैल्यू पुट की यहाँ पे हमने निकालो एनी पॉइंट ऑन दी लाइन विल बी क्यू हमने पॉइंट माना था तो थ्री इंटू लैमडा माइनस टू तो लैमडा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक कॉर्डिनेट ऑफ क्यू हमारे पास आ जाएंगे तो कॉर्डिनेट ऑफ हमारे पास क्यू आया सिक्स माइनस टू कॉमा एट माइनस थ्री बाई टू कॉमा टेन माइनस फोर बाय थ्री तो हमने यहाँ पे क्या किया लैमडा की वैल्यू एनी पॉइंट हमने जो निकाला था क्यू उसमें हमने इसको पुट कर दिया है और यहाँ पे हमने द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल लिया तो Q है तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है सिक्स माइनस टू बाई सिक्स माइनस टू ऑफ फोर एंड फाइव बाई टू कॉमन टू हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ गए उसके बाद लेंथ ऑफ पी क्यू मीन्स उसने जो डिस्टेंस पूछा हमने पहले पी क्यू निकाल लिया है पी क्यू क्या है जो वो हमें एक लाइन दी हुई थी और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है तो अब उसकी हम लेंथ क्या है अब उसकी लेंथ क्या, क्या होगी तो अंडर रूट यहाँ पे फोर माइनस ऑफ माइनस टू क्योंकि पॉइंट क्या था माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस फोर तो फोर माइनस ऑफ माइनस टू फोर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू टू माइनस ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर तो यहाँ पे जब हमने निकाली तो इसके डिस्टेंस क्या आएगा सेवनटीन बाय ट्वेल्व इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट वन कामा थ्री कॉमा फोर इन द प्लेन ऑफ दिस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्व टू ज़ीरो हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है हमें क्या करना है इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस प्लेन पर तो लाइट क्यू बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी वन कामा थ्री कामा फोर इन प्लेन ऑफ टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्व टू जीरो तो ये प्लेन ये है और पॉइंट ये है तो इसका हमको क्या निकालना इमेज निकालनी तो हमने क्या माना क्यू क्यू इसकी इमेज है तो क्यू इसकी इमेज है तो देन पी क्यू इज़ नॉर्मल टू द प्लेन तो पी क्यू क्या होगा नॉर्मल टू द प्लेन देर फॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन तो पी क्यू हमने पी क्यू के जो डायरेक्शनल रेशो आएंगे वो प्लेन के मीन्स इक्वल प्रोपोर्शनल आएंगे तो टू कॉमा माइनस वन कामा वन तो सिंस द लाइन सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज क्या होगी एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन हमने क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है वन एक्स माइनस वन बाय टू टू क्यों लिया है क्योंकि जो हमें प्लेन दिया हुआ है तो प्लेन क्या दिया है टू ठीक है तो एक्स के सामने वाला क्या डायरेक्शन रेशो टू है तो वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन क्यों है फाई के आगे माइनस वन है ऐसे ही जेड माइनस फोर जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन सेड के आगे क्या है वन इस इक्वल्स टू हमने लैम्डा मान लिया लैम्डा इक्वल्स टू हमने से कर लिया उसके बाद दी कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितने आएंगे टू लैमडा प्लस वन एंड माइनस लैमडा प्लस थ्री माइनस लैमडा प्लस थ्री एंड लैमडा प्लस फोर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ जाएंगे पी क्यू तो एम क्या होगा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसके तो M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसका जो हमने यहाँ पे Q निकाला है क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय टू तो Q क्या आया था और क्योंकि आया था टू लेमडा प्लस वन टू लैमडा प्लस वन एंड यहाँ पे क्या था पी वन तो टू लैमडा प्लस वन प्लस वन बाय टू ऐसे ही माइनस लैमडा प्लस थ्री प्लस थ्री बाय टू एंड यहाँ पे क्या आएगा लैमडा प्लस फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू मीन्स दोनों का सम करना है और सम करके डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया टू लेमडा प्लस टू बाई टू माइनस लेमडा प्लस सिक्स बाई टू एंड लेमडा प्लस एट बाई टू तो सिंस एम लाइज ऑन दी प्लेन एम क्या है एम प्लेन पर लाइज करेगा जैसे कि हमने अभी प्लेन बनाया था तो जो एम था मिड पॉइंट है वो क्या एम प्लेन पे लाइज करेगा तो हम जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें हम एम को पुट कर देंगे मीन्स इन वाली को हम जो प्लेन की इक्वेशन थी प्लेन की इक्वेशन क्या थी टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्व टू जीरो हमने इस वाली इक्वेशन को मीन्स ये एक्स वाई जेड को हमने प्लेन के एक्स वाई जेड में रख दिया क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा वो तो सेटिस्फाई करेगा हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमने क्या माना था इमेज ऑफ पॉइंट पी तो यहाँ पे हम जो इमेज uh, थी पॉइंट पी की वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो यही था क्वेश्चन नंबर टू उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइन बाय द पॉइंट्स ए बी सी ए बी सी से एक प्लेन बन रहा है एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन पहले हमें ए बी सी से एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे हमें डिटरमाइन करनी है उसके बाद हमें एक पॉइंट दिया हुआ है पी सिक्स कॉमा फाइव कॉमा नाइन उससे हम उस प्लेन की हमको डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी सी हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं तो इनसे हमें एक इक्वेशन निकालनी है प्लेन की तो ए बी ए सी निकाला तो ए बी ए सी हमने निकाला तो ए बी क्रॉस ए सी नॉर्मल वैक्टर हो जाएगा तो नॉर्मल वैक्टर होगा कि सबसे पहले हमने ए बी और ए सी निकाला तो ए बी ए सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया उसका उससे क्या होगा कि नॉर्मल वेक्टर हमें प्लेन के मिल जाएगा तो जैसे ही हमें नॉर्मल वेक्टर हमें प्लेन के मिल जाएगा तो उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पे निकाल लेंगे थ्री कॉमा माइनस फोर कॉमा थ्री क्योंकि ये डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं उसके प्रोपोर्शनल होते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे इसको काटा तो फोर थ्री सा ट्वेल्व फोर फोर एंड फोर थ्री सा थ्री माइनस फोर एंड थ्री तो यहाँ पे हमें मिल गया थ्री माइनस फोर एंड थ्री तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी इनके डायरेक्शन रेशो थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू डी तो दिस प्लेन पासिस थ्रो माइनस वन माइनस वन सिक्स जो हमें दिया हुआ था मीन्स ये माइनस वन कॉम माइनस वन सिक्स से ये प्लेन uh, जो पास करेगा तो अगर ये इससे पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा जैसे ही हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू क्या आएगी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नाइनटीन तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी इक्वेशन ऑफ प्लेन इज थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री जेड माइनस पहले इक्वल्स टू डी था तो डी को हम इधर लेके आए माइनस डी होगा तो डी की वैल्यू क्या आई थी नाइनटीन इक्वल्स टू जीरो तो डिस्टेंस डी फ्रॉम सिक्स कॉमा फाइव कॉमा नाइन ये पॉइंट था इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी तो थ्री इंटू सिक्स एक्स की जगह सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू नाइन माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर एंड थ्री का स्क्वायर तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो हमारा डिस्टेंस है प्लेन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो